नेक्स्ट वॉइस सुनिए आप, नेक्स्ट स्पीकर हैं प्रिया जी, प्रिया शर्मा जी फरीदाबाद से, वेलकम प्रिया जी, स्वागत है आपका ब्रॉन्ज लायन फ्रॉम फरीदाबाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड मेरा सभी जितने भी पैनल में लोग हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। तो सर बहुत अच्छा लगा जो आज आपने एडिफिकेशन की जो ये बात कही है, रियली में ये बहुत मैटर करती है कि हमें किसका एडिफिकेशन कैसे करना है, किसका मान सम्मान कैसे करना है। तो सर ये बहुत आपने अच्छे से हमें ये समझाया, और आई होप कि हम सभी लोग इस पे अमल भी करेंगे और बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे इसमें। क्योंकि सर देखिए, पैसा तो बहुत जगह बहुत इंडस्ट्रीज में कमाया जाता है, क्योंकि हर किसी के पास पैसा है किसी के पास, लेकिन जो हम एक इंसान एक चाहता है ना, वो नेम फेम एंड एक एडिफिकेशन ही चाहता है। क्योंकि हर इंसान को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है, और जब कहीं ना कहीं सर हमें मान सम्मान मिलता है, समाज में एक प्रतिष्ठा मिलती है, तो सर उसकी ना एक अलग ही फीलिंग होती है। और सर मैं ये गारंटी के साथ, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो मान सम्मान हमें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मिल सकता है, वो सिर्फ किसी भी बिजनेस में, किसी भी जॉब में, कहीं पे नहीं मिल सकता। क्योंकि सर मैं एक ऐसी शख्स हूँ, जब मैंने ये अपनी जॉब स्टार्ट की थी, अपना करियर स्टार्ट किया था, तो सिर्फ हमें मतलब इतनी मेहनत करती थी मैं, मतलब अपनी जॉब को मैं 100% देती थी और वहां पे काम करती थी कि सुबह से लेकर रात तक कि मुझे मेरा बॉस या मेरी जो फीमेल बॉस है वो मुझे अप्रिशिएट करे, मुझे रिकॉग्नाइज करे कि मैंने इतने अच्छे से, जैसे मैंने टीचिंग की है तो मैंने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो मैंने और भी मतलब ऑफिस वर्क भी किया, तो मुझे सर वो मान सम्मान वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। इवन मैं आपको बताती हूँ कि एक अपनी जब मैंने अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, तो मुझे वहां पे स्टार्टिंग में बहुत अच्छा मतलब फील हुआ कि मैं एक बॉस बन गई हूँ, मैंने बहुत लोगों को मैं रोजगार देने लग गई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन सर कहते हैं ना कि जो मान सम्मान जो रिस्पेक्ट मुझे टियांस के प्लेटफॉर्म पे आके मिली, जो आइडेंटिटी मुझे मिली, जो पहचान मुझे मिली, तो सर वो मतलब तारीफ़ काबिल है। और मैं बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज को लेके कि सर की मुझे पहले तो मैंने जो काम शुरू किया था जहां मैं जॉब करती थी, तो मुझे वहां वो पहचान मिलती थी कि सिर्फ एक इंडस्ट्री मतलब एक ऑफिस में मेरी जान पहचान होती थी, कुछ लोग मुझे जानते थे, मेरा फ्रेंड सर्कल जानता था जो मेरे साथ जॉब में होते थे, लेकिन इंस्टीट्यूट में आई तो कुछ इंस्टीट्यूट वाले मुझे जानते थे, कुछ स्टूडेंट्स मुझे जानते थे। लेकिन सर ट्यांस में आने के बाद ये ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां पे सर पूरा इंडिया मुझे जानता है। Yes. और सर एक दिन वो आएगा कि जहां मतलब हमें ये पहचान इंटरनेशनल लेवल पे मिलेगी। ये मेरा एक सपना है कि जैसे सर बहुत ही मैं एक्साइटेड रहती हूँ इस ट्यांस को लेके, और अपना मजा आ रहा है। और सर आज हमारी आप सबके साथ एक मुलाकात हुई वर्बली, जो हम जैसे जूम पे करते हैं, तो एक पूरा एक्साइटमेंट भर गया सर। जब से वो मीटिंग हुई मेरे दिमाग में यही चले जा रहा है कि कैसे करना है आगे, गोल्ड लोन कैसे बनना है। और सर मेरा कोई गोल्ड लोन बनना सपना नहीं है क्या, अब यहाँ पे आज के बाद सर वो विजन ही और भी बढ़ गया कि मतलब एक पे स्केल कैसा मतलब होना चाहिए कि मैं मतलब एक 7 फिगर इनकम पे जाती हूँ। और आज सर योगराज सर ने एक बात बहुत अच्छी बात बोली कि 2021 में हमें यहाँ से 100 गोल्ड लाइन निकालने हैं, ये हमारा प्रॉमिस है। तो सर आज ये अच्छा लग रहा कि हम लोग यहाँ पे मतलब ये देखिए कि यहाँ से कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं, कितनों की लाइफ बदल सकते हैं। जैसे अभी पुष्पा जी ने कहा कि मेरा सपना है कि मैं मतलब यहाँ से जो भी टियांग से पैसा आएगा तो मैं उसको मतलब आगे मतलब और लोगों की हेल्प करूंगी। तो सर अभी 2 दिन पहले ही मैं ये बात कर रही थी कि हे अपनी सिस्टर से मैं बात कर रही थी, काश कि मुझे यहाँ से इतना पैसा आए और मैं अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो दूर करूं ही करूं, अपने घर को सपोर्ट करूं, साथ ही साथ मैं ऐसे ऐसे लोगों को सपोर्ट करूं कि मतलब जहां पे जरूरत है, और मतलब मैं कुछ एनजीओस वगैरह को भी मतलब अपग्रेड करूं। कल ही मेरे छोटे भाई से बात हो रही थी तो कह रहा, मैंने कहा हम एक एनजीओ रजिस्टर्ड कराते हैं और उसपे करेंगे, और सर उसमें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को भी हमने साथ में रखा है, तो बहुत मजा आ रहा है। और सर आपने सच बोला है कि जो एडिफिकेशन होती है ना, एडिफिकेशन हमारा यहाँ पे मेन रोल होता है कि हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ाने में अहम रोल वो अदा करता है एडिफिकेशन,
कई बार जैसे सर हम जर्नली हम लोग प्लान देते थे तो हमें लगता है कि सामने वाला बंदा कोई हम थोड़ा सा रिच है या थोड़ा उसका प्रोफाइल अच्छा है तो हम उसकी एडिफिकेशन ज्यादा कर देते थे और अपने सीनियर की एडिफिकेशन थोड़ी कम होती थी। तो मतलब हमें लगता है हम मिलवाते थे ये हमारे सीनियर हैं, इनसे मिलिए, ये हमारे साथ हमें सपोर्ट कर रहे काम कर रहे। नहीं, तो सर वो चीज आपकी तारीफ काबिल है और आपने हमें ये सिखाया भी, तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे। और सर मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ अपने मतलब ब्रॉन्ज लॉइन बनने के बाद, तो सर बहुत मजा आ रहा है मुझे, मतलब ब्रॉन्ज लॉइन नहीं सर, अब तो ये लगता है कि जल्दी से जल्दी मेरा गोल्ड हो, पहले सिल्वर हो फिर जल्दी से जल्दी गोल्ड हो, ताकि मैं सर और एक्साइटमेंट के साथ ये काम करूं और अपना मतलब अपना अपने फैमिली का और अपनी मतलब पूरी टीम का और आप सभी का सर मैं उस मतलब नाम रोशन करूं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर, तो थैंक यू वेरी मच, इतनी नॉलेज आपने दी है और इतना जो आपने जूम मीटिंग पे सर ये आपने सच मुझ में सर हम सबको एक ना डायमंड बना दिया है। और सर अब हमें खुद से फीलिंग आने लगी है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सर जब मैं इस बिजनेस में आई थी तो मैं खुद ये सोचती थी कि शायद मैं इसको नहीं कर पाऊंगी, और सर वो आपका विश्वास था। एक मैं इंस्टीट्यूट चला रही थी, इंस्टीट्यूट बहुत सारी पब्लिक डीलिंग होती थी वो एक अलग मैटर था, लेकिन एक स्टेज पे बोलना, एक प्लेटफॉर्म पे बोलना, तो सर वो बहुत मैटर करता है। तो थैंक यू वेरी मच सर, बेटर डियांस बेटर लाइफ, आई लव डियांस, आई लव यू सर एंड आई लव ऑल ऑफ माय सीनियर्स। मैं तहे दिल से अपने सीनियर संजय जी का, योगराज सर का एंड सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ और अपनी पूरी एंटायर टीम का कि जिनकी वजह से सर मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि सर, और सर सभी जितने भी मेरे कजन्स हैं इसमें जो भी अलग टीम से हैं, तो सर उनका भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप सब लोग के माध्यम से ही हम लोग मोटिवेट होते हैं, आप लोग इतनी अच्छी अच्छी शेयरिंग करते हैं, तो सभी का बहुत धन्यवाद। और सर खासकर अपने सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं अपने पेरेंट्स का करती हूँ जिनकी वजह से आज मैं इस दुनिया में हूँ। तो आई एम वेरी मच हैप्पी, आई एम वेरी मच एक्साइटेड, और सर आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल बिल्कुल प्रिया जी, आपने इतिहास रचा है, आप ब्रॉन्ज लॉइन बने, आज आपके पास में फरीदाबाद की फ्रेंचाइजी है, और फरीदाबाद इतना बड़ा शहर है, इस शहर के अंदर एक टियांस कंपनी की फ्रेंचाइजी की आप ओनर हैं, इसका मतलब बहुत कुछ मीनिंग है इसका, बहुत गहरी बात है ये। और दिल्ली एनसीआर में जिनके पास भी फ्रेंचाइजीज हैं, आप सभी लीडर्स अपनी फ्रेंचाइजी को बढ़िया तरीके से सर्विस दीजिए लोगों को और लोगों को खुश रखिए, आपके चार चांद लगने वाले हैं, क्योंकि बहुत कुछ 2021 में टियांस की तरफ से होने वाला है, बहुत कुछ हम करने वाले हैं, तो बहुत कहते हैं बल्ले बल्ले होनी है इसीलिए। और सभी लीडर्स जिनको भी फरीदाबाद में बिजनेस डेवलप करना है, प्रिया इंटरनेशनल को पकड़ लीजिए, सारी सर्विसेज इनसे मिलनी है प्रिया जी से। तो थैंक यू बिल्कुल, जितने भी इंडिया के लीडर हैं, आपके रिश्तेदार दोस्त जान पहचान के कोई भी यहाँ रहते हैं अगर फरीदाबाद में, जोड़ दीजिए, कहीं ऐसा ना हो, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, है ना, तो जल्दी से जल्दी जोड़िए, क्योंकि बाद में मत छोड़िए। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रिया जी, यू आर बेस्ट, यस यू आर डायमंड, एंड बेस्ट विशेस फॉर गो गोल्ड लॉयन सून, 100% सर, 100%, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और आपकी पूरी टीम के लिए, बेस्ट विशेस हैं।